अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग बाय डॉक्टर फातिमा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वापस से अपने लॉन में, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये तो मिर्च के प्लांट लगे हैं, लेकिन आज मैं मिर्च के बारे में नहीं, गुआवा यानी अमरूद के बारे में बताने जा रही हूँ। और देखिए, मैं दिखा रही हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ छोटे छोटे अमरूद आ चुके हैं। देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। इसे हम गुआवा भी कहते हैं अमरूद को, और इसका बॉटनिकल नेम सीडियम गुआजावा होता है। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं, जो कि हमें सही से दिख भी नहीं पाएंगे। देखिए, लगे इसी तरीके से ढेर सारे अमरूद आए हुए हैं, और माशाल्लाह से हमारे लॉन में देखिए, ऊपर भी देखिए, देखिए किस तरीके से बहुत ढेर ढेर सारे, एक एक जगह काफ़ी काफ़ी कई कई सारे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए, और देखिए ऊपर, और देखिए तो इसी तरीके से बहुत ढेर सारे हमारे लॉन में अमरूद लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपके साथ अपने लॉन के जो अमरूद का पेड़ है, उसके अमरूद शेयर करती हूँ, वीडियो डालती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे यहाँ अमरूद आ रहे हैं। अभी फ्रेंड्स, ये शुरुआत हुई है, और सबसे नीचे ये डाल है, इसे मैंने देखा तो मैं खुश हो गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे, इसे बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, इन्हें भी तोड़ा जा सकता है, ये भी बहुत नीचे है, देखिए। कितने अच्छे, कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में, माशाल्लाह से। उस साइड भी अमरूद लगे हुए हैं फ्रेंड, शायद आपको दिखे या आप ना देख। ओह, कोई चिड़िया बोल रही है फ्रेंड यहाँ पर। लॉन में आने का यही फ़ायदा है फ्रेंड, ढेर सारे तरीके के चिड़िया, बहुत सी चीज़ों से मुलाकात हो जाती है, बटरफ्लाई। तो फ्रेंड्स, हमारा ये अमरूद का पेड़ कम से कम 1 से 2 साल पुराना हो गया है, और हम टाइम टाइम पर इसे छाटते वाटते रहते हैं, आप देख सकते हैं, वरना ये सारे लॉन में फैल जाएगा। ये यहाँ से जो इसकी बड्स आती हैं, इनको हम छाट देते हैं, ताकि ये सीधा सीधा, आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्टेम है वो सीधा सीधा है, और ऊपर जाके ही जो इनकी बड्स हैं उन्हें ही हमने रखा है, वो भी 1-2 को रखा है, बाकी देखिए ये सब कट हैं, क्योंकि लॉन में बहुत बड़ा पेड़ नहीं रख सकते ना, ये साइड में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, फिर भी माशाल्लाह से कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। अगर पूरे पेड़ को हम रखें तो पता नहीं कितने अमरूद आए, लेकिन नहीं रख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा लॉन भर जाएगा वरना अमरूद से ही। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी फ्रूट्स वगैरह या जो कुछ भी, जिस चीज़ का भी प्लांट लगाती हूँ या वीडियो बनाती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ, तो उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में भी बताती हूँ। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, पर फ़ायदे नुकसान उसी वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं आपसे अलग से ही वीडियो बनाया करूँगी इनके बेनिफिट्स के बारे में, ताकि आपको बहुत डीपली अच्छे से बता पाऊँ, एज अ डॉक्टर मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसका पर्टिकुलर मैं अलग से वीडियोस भी डालूँगी इंशाल्लाह, जो आपको आपकी डेली रूटीन डाइट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ कि ये गुआवा है, अमरूद है, इसे आप डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें, और ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है। ये हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, और फाइबर की वजह से ये हमारे हार्ट को भी फ़ायदा करता है, पेट को भी फ़ायदा करता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है फ्रेंड, जिसकी वजह से आप जानते हैं, अगर कैलोरी कम होगी तो वेट जो है रिड्यूस करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वेट बढ़ने से ही होती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ अमरूद लगे हुए हैं, अभी नहीं भी हो फ्रेंड, तो आप मार्केट में कई तरीके की वैरायटियाँ आती हैं,
आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, बहुत सस्ता फ्रूट है, बहुत महंगा नहीं आता है, लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये फ्रेंड। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँगी अमरूद पर दोस्त में, इंशाल्लाह आपको यही बताऊँगी फ़ायदे नुकसान। और इसमें खाद वगैरह में वही यूज़ करती हूँ फ्रेंड, किचन गार्डन वाली, इसके किनारे 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 जो सराउंडिंग मैं मिट्टी प्लोइंग करने वाली हूँ, उसके बाद यहाँ खाद डालने वाली हूँ, किचन वेस्ट वगैरह। इसके अलावा मैं कोई और खाद यूज़ नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अमरूद का वीडियो है, और बस इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि हमें ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं करने हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो में सब नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ अमरूद के। बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरे यहाँ अमरूद आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मार्केट में अमरूद मिलते हैं तो आप भी ज़रूर ख़रीदिए, ज़रूर उसको डेली डाइट में शामिल कीजिए। ये बहुत टेस्टी फ्रूट भी होता है, बहुत सस्ता है, ईज़िली कहीं भी मिल जाता है मार्केट में। और हमारे मिर्च के पेड़ भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे ग्रो किए हुए, लगे हुए हैं अभी, उनका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेकर आऊँगी कोई नए प्लांट। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ बहुत ढेर सारे तरह के प्लांट लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा ख्याल रखें, आप जब भी अपने घर में फ्रूट्स वगैरह लगाएं तो ये फ्लावर वगैरह भी ज़रूर लगाएं, जिससे पॉलिनेशन बहुत अच्छे से बना रहता है। और आपकी जो भी फसल वगैरह होती है, जो भी आप चीज़ लगाते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह से। तो बस आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बनाती हूँ कोई वीडियो, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी, फ़ायदे नुकसान सब कुछ बताऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।